नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भादू प्रदर्श में। दोस्तों, आज मैं हूँ जोधपुर। मैं आज आपको शेयर करवाऊँगा जोधपुर में स्थित कायलाना झील की। आप सभी को कायलाना झील के बारे में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माचिया पार्क से कायलाना झील की तरफ जाने पर सबसे पहले आपको यह दृश्य नज़र आएगा। यहाँ पर सरस डेयरी का बूथ भी है, जहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें, आइसक्रीम आदि मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप निशानेबाजी का मज़ा ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ आप ऊँट सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हो। भैया कितने लेते हो ऊँट सवारी के? 100 रुपये। कितने चक्कर लोगे? घुमा लेंगे वहाँ तक, घुमाने के 100 रुपये है एक सवारी के। चलिए दोस्तों, करते हैं काफ़ी सालों बाद ऊँट की सवारी। हाँ, राजस्थान का राज्य पशु है, इसकी सवारी करने में बहुत मजा आता है। रेगिस्तान की जाज बोलते हैं इसको। ये 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। यहाँ कायलाना झील पर दोस्तों आपके नाश्ते के लिए सरस डेयरी भी है और फल फ्रूट चाट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पानी पीने के लिए ठंडा प्याऊ भी लगा हुआ है। यहाँ पे टैक्सी वगैरह सब सुविधा है। यह कायलाना झील दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की झील है। प्रकार भैया इनका एक्शन, वाह एक्शन। और आपका क्या नाम है? अली भाई। ये अली भाई है और ये उनका एक्शन है। मैंने ऊँट की खूब सवारी की थी, लेकिन काफ़ी सालों बाद आज फिर दोबारा मुझे ऊँट की सवारी करने का मौका मिला, वो भी अली भाई के एक्शन के साथ। बहुत मज़ा आया दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर आपको विश्राम करने के लिए सीट भी लगी हुई है, पार्क बना हुआ है, पेड़ पौधों की साया भी है, चारों ओर हरियाली है, हरे वृक्ष लगे हुए हैं और जो सामने देख रहे हो ये पूरी पूरी कायलाना झील है। यहाँ से दो रास्ता है, एक यहाँ से जा सकते हो और एक वहाँ सामने रास्ता और है, वहाँ से आप नीचे झील की तरफ जा सकते हो। ये झील 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोस्तों, वहाँ सामने से इस झील के अंदर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पानी आता है। इस झील का निर्माण प्रताप सिंह ने 1872 में करवाया था। ये मीठे पानी की झील है। जोधपुर के अंदर पारा 45 डिग्री के पार है, बट यहाँ पे पानी के कारण बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। गर्मी में यहाँ आने का मज़ा कुछ और ही है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे आपको नौका की सुविधा भी मिल जाएगी, यहाँ आप नौकायान भी कर सकते हैं। सर, नौका वाले भैया धूप में बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे झील के दृश्य को कैद करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका कोई पार्ट्स झील का पीछे देखने से नहीं रहे, यही मेरी पूरी कोशिश है। या इतनी देर दौड़ते या मेरे बालों को देख पता लगा सकते हो। ये है कुछ टाइम लैप्स, चलिए एंजॉय करिए। दोस्तों, ये सब लड़के लड़कियां गुब्बारा लेके नाव के अंदर जा रहे हैं।
आप सभी ने सोचा होगा ये सब क्या कर रहे हैं, यह आज कुछ स्पेशल है। नाव के अंदर किया जाएगा आज बर्थडे सेलिब्रेट। इस लड़की का बर्थडे है, इसको सरप्राइज देने के लिए इसके आंखों पर पट्टी बांधकर इसको नाव के अंदर ले जाया जा रहा है। काफ़ी टाइम लगा इसको वहाँ ऊपर से नाव तक आने के लिए, आखिरकार ये पहुँच ही गए। यदि मैं वीडियो स्पीड में शूट नहीं करता तो आधे से पौन घंटा लग जाता मुझे। सभी ने उसको सरप्राइज दिया और नाव चल दी। यहाँ कुछ साथी है जो गर्मी से आराम पाने के लिए पानी में मजे ले रहे हैं। यहाँ इस झील के अंदर तैरना मना है, बट किनारे बैठ के आप स्नान कर सकते हो। इंदिरा गांधी नहर जिसका पानी जाता है कालाना झील में, और कालाना झील का पानी पूरा जोधपुर शहर पीता है। झील पर एक महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और पार्क भी है, चलिए वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर बैठने के लिए पार्क भी बना हुआ है। महादेव जी के मंदिर से कायलाना झील का पूरा दृश्य साफ साफ दिखाई देता है। यह थी कायलाना झील। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।